जम्मू प्रांत में चेनाब के तट पर बसे हुए प्राचीन शहर अखनूर में स्थित है कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 5000 साल पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा महाभारत काल की है। महाभारत काल में अखनूर और उसके आसपास के प्रदेश पर राजा बर्बरीक का आधिपत्य था। राजा बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति ली और उनका आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक एक महान योद्धा हैं जिनके बाण में अद्भुत शक्ति है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की धनुर्कला की परीक्षा ली। बर्बरीक को कहा कि पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को तुम एक बाण से पिरो दो। बर्बरीक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में तुम किस पक्ष के साथ लड़ोगे। बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा, कमजोर होगा, मैं उसके साथ ये युद्ध लड़ूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अगर बर्बरीक कौरवों के साथ लड़े तो पांडव पक्ष को बहुत क्षति पहुंच सकती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना योगेश्वर रूप दिखाया और कहा कि मुझे अपना शीश प्रसाद रूप अर्पण कर दो। बर्बरीक तुरंत मान गए, परंतु उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऐसी पहाड़ी पर रखा जहां से कहा जाता है कि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जीत का श्रेय किसको देना चाहिए, तब श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार बर्बरीक को यह प्रश्न किया गया। बर्बरीक का उत्तर था कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी पूजा भगवान कामरू नाग के रूप में की जाएगी। जिस जगह पर बर्बरीक के सर ने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा था, उस जगह को और उस रूप को खाटू श्याम जी कहा जाता है। बर्बरीक को अपनी माता से मिले हुए आशीर्वाद के अनुसार अगर उनका धड़ अखनूर बिना किसी को दिखे पहुंच जाता तो उनकी माता उनको पूर्ण रूप और पुनर्जीवन दे सकती थी। इस वजह से बर्बरीक का धड़ एक घोड़े पर सवार अखनूर की ओर बढ़ गया। परंतु उनकी माता से मिलने से पहले चेनाब के तट पर कुछ स्त्रियों ने उनके धड़ को देख लिया और उन स्त्रियों के चीखते ही वो धड़ उसी स्थान पर गिर गया। बर्बरीक को पुनर्जीवन प्राप्त नहीं हुआ। कालांतर जिन कुल की स्त्रियों ने बर्बरीक के धड़ को वहां देखा था, उस कुल की स्त्रियों को स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन हुए और बर्बरीक ने उन्हें स्वप्न में कहा कि हे स्त्रियों, तुम्हारे कारण मैं यहां पर हूं, अतः तुम मेरी अर्चना करो। महाराजा गुलाब सिंह ने तत्पश्चात जहां शिवलिंग प्रकट हुए थे वहां से उन्हें खुदवाकर एक मंदिर में स्थापित करने की चेष्टा की, परंतु शिवलिंग का कोई अंत नजर नहीं आया और जहां शिवलिंग प्रकट हुए थे वहीं मंदिर का निर्माण हुआ। वही मंदिर आज कामेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की हर इच्छा कामेश्वर भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कामेश्वर मंदिर अखनूर में जो तीन पिंडियां हैं उसमें सबसे पहले खंडित पिंडी वीर बर्बरीक या कामेश्वर भगवान की है, बीच में शिवलिंग है और तीसरी पिंडी वीर बर्बरीक यानी कामेश्वर भगवान के घोड़े की है। राजस्थान में जिस पवित्र स्थान पर वीर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ वहां आज भक्तगण बाबा श्याम जी खाटू के नाम से उनके दर्शन करते हैं और उन्हें पूछते हैं। ये थी जम्मू के अखनूर शहर के कामेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा।
अखनूर का प्राचीन कामेश्वर मंदिर और इसकी महिमा अवर्णनीय और दर्शनीय है।